हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो कल तीन स्टॉक डिस्कस किए थे, पहले वो एक बार देख लेते हैं। तो पहला था रिलायंस। रिलायंस में देखिए, मेरा बाइंग प्राइस 2531 के ऊपर ट्रेड करेगा तो बाइंग करेंगे, और फर्स्ट टारगेट 2555 और 2565। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये दोनों टारगेट अचीव हो गया आज रिलायंस में, ठीक है। अब उसके बाद था बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में देखिए, यहाँ पे भी काल में हम बोले थे यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 1891 का। वो रेजिस्टेंस एक बार टेस्ट करने के लिए जाएगा अगर ये फ्राइडे का हाई क्रॉस करे तो। देखिए, फ्राइडे का हाई क्रॉस हुआ और यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, 1882 का टारगेट अचीव हो गया। तो रिलायंस और बाटा इंडिया दोनों का टारगेट अचीव हो गया। और तीसरा था लॉरस लैब। लॉरस लैब में देखिए, यहाँ पे इनसाइड कैंडल मेरा जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी लागू हुआ था, इसीलिए मेरे रडर में ये था। लेकिन ये टारगेट हिट नहीं हुआ है, 2-3 पॉइंट का ऊपर गए थे। तो इसमें पहला जो कैंडल है वही उतना बुलिशनेस नहीं दिखाया था, इसीलिए इस यहाँ पे हम एंट्री नहीं किए हैं। देखिए, अब अगर देखिए ये तीन बार एक कैंडल बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उतना खास कुछ नहीं बना। तो रिलायंस और बाटा इंडिया में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो अभी चलते हैं, कल हम दो स्टॉक डिस्कस करेंगे। तो वो दो स्टॉक है, एक है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट में यहाँ पे जो मेरा स्ट्रेटजी है इंट्राडे का, वो बहुत अच्छा से लागू होता है। बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है, ठीक है, बहुत दिन के बाद बहुत अच्छा क्लोजिंग मिला है। तो इसीलिए बहुत अच्छा क्लोजिंग है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो इसलिए ये मेरे रडार में है। कल अगर ये 2600 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम बाई करेंगे। मेरा टारगेट 2640 से लेकर 2652 तक रहेगा। ये दीपक नाइट्रेट हो गया। उसके बाद कैनफिन में देखिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छा क्लोजिंग मिला है, बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है। ये भी इंट्राडे के लिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, क्लोजिंग भी बहुत अच्छा दिया है। कल अगर ये 721 क्रॉस करे तो हम बाई करेंगे। मेरा टारगेट 729 से लेकर 732 तक रहेगा। और एक देखिए, जो बाटा इंडिया है, यहाँ पे कल भी कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर कल ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे, मतलब 1892 के ऊपर ट्रेड करे, 15 मिनट का कोई कैंडल अगर 1892 के ऊपर क्लोज दे देता है, तो हम वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये भी, ये तीन स्टॉक कल मेरे रडार में रहेगा। तो एक है दीपक नाइट्रेट में देखिए, मेरा जो इंट्राडे का स्ट्रेटजी, जिसने भी नहीं देखे वो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा इंट्राडे में काम में आता है। तो ये इंट्राडे का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कल दीपक नाइट्रेट में। और लेवल मार्क करके रखिएगा। देखिए, दीपक नाइट्रेट मेरे रेडर में है, इस ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। मेरे लेवल ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। कल अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम बाय करेंगे। तो दीपक नाइट्रेट और बाटा इंडिया और कैनफिन में भी क्लोजिंग बहुत अच्छा दिया है, बहुत दिन के बाद अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे कल कुछ बन सकता है। तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो ये भी रेडर में है। तो ये तीन स्टॉक में कल नज़र रखिएगा, यहाँ पे अच्छा मूव मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।